हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। साल 2007 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास दो प्रोसेसेस है, P1 एंड P2। वो क्या करते हैं, एक फ्लैग यूज़ करते हैं जिसका नाम इन्होंने दिया गया क्रिटिकल फ्लैग। ये फ्लैग ये यूज़ करके क्या चाहते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैनर में इस कोड को असेस कर सकें। अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई बोला गया कि क्रिटिकल फ्लैग जो है करेंटली स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दिया गया फॉल्स से, और ये हमें एक रूटीन दे दिया गया, मतलब एक मेथड, एक कॉन्सेप्ट, एक कोडिंग दे दी गई है जो दोनों P1 एंड P2 यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर क्या चीज़ है कि यहाँ पे हमें बोल दिया गया कि गेट एक्सक्लूसिव नाम का एक मेथड है, रूटीन है, जिसके अंदर जाना है। क्रिटिकल फ्लैग की वैल्यू पहले चेक होती है फॉल्स, देन वो ट्रू की जाती है, जो भी प्रोसेस आएगा वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और क्रिटिकल फ्लैग को फॉल्स कर देगा। इसके अंदर आगे हमसे क्या बोला गया कि कंसीडर करो ये स्टेटमेंट कैसी है। देखो वो ये पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि दोनों के दोनों P1 एंड P2 क्या कर सके, क्रिटिकल सेक्शन को एक ही बार में क्या कर सके, असेस कर सके, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ब्रेक कर सके। देन ये पूछता है कि क्या ये जो सॉल्यूशन गिवन है ये लीड करेगा डेडलॉक के लिए। तो इनके बेस पे हमें ऑप्शन दे दिए गए हैं, उसको देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहली चीज़ को पकड़ेंगे कि यहाँ पे हमें बोलता है कि क्या P1 एंड P2 दोनों एक ही टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन को असेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको करते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखो नंबरिंग दे दी है इन जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है 1, 2, 3, 4। अब हम क्या करेंगे, एक एक प्रोसेस लाएंगे, क्रिटिकल सेक्शन में डालेंगे या कुछ ऐसी चीज़ करेंगे कि दोनों के दोनों या तो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाए या कोई एक ही आ पाए और दूसरा ना पाए। ठीक है, ये चीज़ चेक करते हैं कैसे होगी। देखो प्रोसेस P1 को नंबर मिला तो उसने अपनी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन चलाई। ओके, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन चलाने पर उसको क्या मिलेगा, वो चेक करेगा क्या क्रिटिकल फ्लैग इस टाइम क्या है, फॉल्स है, स्टार्टिंग में हमारे पास फॉल्स है, तो इसको ये स्टेटमेंट क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी। ट्रू मिलेगी तो वो आगे जाएगा, बट उसको हम आगे नहीं जाने दे रहे। हम उसको कह रहे कि तू यहाँ पे क्या कर ले, सिर्फ रीड करके बैठ जा, बाद में ये जो लाइन है ये राइट की है, इसको बाद में करिए। तूने रीड कर लिया क्या कि मेरे पास जो क्रिटिकल फ्लैग है ओके वो क्या है, फॉल्स। इसने ये रीड कर लिया। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है जी, और किसको दिया, CPU, मैंने CPU दिया P2 को। अब वो क्या करता है, P2 आता है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन चलाता है, क्या क्रिटिकल फ्लैग यहाँ पे फॉल्स है, जी हाँ बिल्कुल फॉल्स है, कोई किसी ने ट्रू ही नहीं किया, तो वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ के इसने इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, P2 ने यहाँ पे क्रिटिकल फ्लैग को ट्रू कर दिया। ओके आगे चलो, अब वो कहाँ पे आ गया, 2 के बाद उसने 3 चलाई और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, क्यों, क्योंकि एक को क्रिटिकल सेक्शन में ले आया हूँ, दूसरे को भी ट्राई करना है। यहाँ पे करा दिया प्रिंट, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में बैठा हुआ किसी कोडिंग को एग्जीक्यूट कर रहा है, बीच में से हमने उसको उठा लिया, किडनैप कर लिया। अब आगे चलते हैं P1 की तरफ। P1 आया, P1 ने अपनी कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर ली थी, फर्स्ट, जहाँ पे उसने क्या रीड किया था, क्रिटिकल फ्लैग फॉल्स है। ओके, अब उसको वो देखो ट्रू नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि वो रीड करने के बाद आ गया, वो दोबारा रीड करने नहीं जा रहा, ये राइट हो चुका है, बट ये फॉल्स को ट्रू कब पड़ेगा, अगर ये दोबारा से इसको रीड करने जाता तो, बट रीड वाली इंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका है, उसके पास अब क्या चल रहा है करंटली कि भाई क्रिटिकल फ्लैग तो फॉल्स है। क्या करेंगे, नीचे आएगा, अपनी सेकंड इंस्ट्रक्शन को चलाएगा और क्या करेगा, क्रिटिकल फ्लैग को ट्रू करेगा। ओके, क्रिटिकल फ्लैग को ट्रू किया तो कहाँ पे चला गया, तीसरे इंस्ट्रक्शन से क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। दोनों के दोनों भाई P1 एंड P2 क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन में बैठे हुए हैं। तो मेरे लिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज़ पॉसिबल फॉर द P1 एंड P2 टू असेस क्रिटिकल सेक्शन, जी हाँ ये क्या हो गई यहाँ पे, ट्रू। ओके, अब देखो सेकंड चीज है मेरे पास, क्या ये डेडलॉक को लीड करते हैं, क्या डेडलॉक पर जा सकता है मेरा ये सॉल्यूशन। डेडलॉक में लीड करने का मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस जो भी है वो क्या होंगे, ब्लॉक हो गए। ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास
म्यूचुअल एक्सक्लूजन विदाउट बिजी सॉल्यूशन, जहां पे हम सेमाफोर का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, वहां पे क्या होता था, हम ब्लॉक कर देते थे बाइनरी सेमाफोर यूज करके, ओके, या काउंटिंग सेमाफोर यूज करके, बट यहां पे सेमाफोर का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दूसरा हमारे पास कैटेगरी क्या थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन विद बिजी वेटिंग, जहां पे बिजी वेटिंग क्या कॉन्सेप्ट था कि एक प्रोसेस वाइल लूप में जो उसके अंदर कंडीशन दी गई है वो अगर ट्रू हो जाती है तो अपने ही लूप में फंस जाता है। तो यहां पे अगर आप देखो तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, बिजी वेटिंग का सॉल्यूशन, बट चीज यहां पे आती है कोई वाइल लूप नहीं दिया हुआ। अगर वाइल लूप दिया होता तो हम समवेयर उसको घुमाते रहते और क्या करते, उसको बिजी वेटिंग में डाल देते, बट ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है। एक प्रोसेस आएगा, या तो उसको फॉल्स मिलेगा या ट्रू मिलेगा, फॉल्स मिला तो वो आगे जा सकता है ट्रू करके, अदरवाइज नहीं जा सकता, सीधी सी बात है। मतलब एक बार में तो यार एक तो जाएगा ही जाएगा, तो डेडलॉक कैसे लग जाएगा। डेडलॉक का मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल सेक्शन खाली रह गया और दोनों के दोनों प्रोसेस जो भी है वो क्या हो गया, तो ब्लॉक हो गए या बिजी वेटिंग में टक गए, बट ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा, एक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमने तो देखो दोनों को ही पहुंचा दिया है, बट यहाँ पे एक तो जा ही रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, डेडलॉक हमारा नहीं लगेगा। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ट्रू, सेकंड इंस्ट्रक्शन फॉल्स, तो मतलब मेरे पास फर्स्ट इज फॉल्स, ये वाला गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉल्स, ये भी गलत हो गया, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, ये चीज ठीक है, ठीक है जी। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका, कि पहली ठीक है दूसरी गलत है। देखो इन क्वेश्चन से आपके ना कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात, पेपर में तो आ ही रहे हैं बट कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, क्या कि कैसे हमें क्या करना है, क्रिटिकल सेक्शन में दोनों को पहुंचाना, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ब्रेक करना है, कैसे किसी चीज को ये प्रूफ कर पाते नहीं कर पाते कि डेडलॉक में जा रही है नहीं जा रही, ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो एक या दो नंबर में बहुत आते हैं, तो यही चीज क्या होगी आगे जाके जब 5-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तब आपको यही इन्हीं के कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, हेल्प करेंगे पूरी की पूरी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूजीसी नेट और गेट ये बनाई है, प्लेलिस्ट बनाई है, प्रीवियस ईयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चंस सॉल्व क्वेश्चन, वहाँ जाइए वहाँ देख सकते हो, नहीं तो टॉपिक के साथ साथ भी इनको मैं कुछ को डालूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी रहे, कॉन्सेप्ट भी बिल्ड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हो जाए, ठीक है। तो जरूर देखिएगा। दूसरी चीज, गेट वाले ये ना सोचे कि हम यूजीसी नेट के क्वेश्चन क्यों करें, और यूजीसी नेट वाले ये ना सोचे कि हम गेट के क्वेश्चन क्यों करें, 90% आपके जो क्वेश्चन है काफ़ी मैच करते हैं, सेम होते हैं, तो उनको करके जाओ, क्योंकि किसी का कुछ नहीं मूड का भरोसा कि कौन सा पेपर कैसा क्वेश्चन में डाल दे, ठीक है। थैंक यू।